हाय, आई मुनीजा रियाज, वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। तो बात करेंगे दिल को तुमसे प्यार हुआ, जिसमें डॉक्टर चिराग को पसंद आई है दीपिका, पर जानवी को करनी है डॉक्टर चिराग से शादी। तो क्या है स्टोरी, इस पे बात करते हैं। हाँ जी, तो ये नया शो जो है स्टार प्लस पे आ रहा है, तो क्या कहोगे आप कि एक एक जो है अपने को बहुत ज़्यादा ऐसा, क्योंकि वो खूबसूरत है एंड ऑल, और दूसरी का रंग कम है, तो उस चक्कर में जो ये जो चल रहा है दो के बीच, और उसमें फंसेंगे डॉक्टर चिराग, क्या कहोगे आप? So Star Plus is back with the same template of triangle. यस Yes, वही चीज लेके. दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग क्योंकि जो चिराग के मॉम है, ठीक है, उन्होंने जानवी को पसंद किया है फॉर हर एल्डर सन, बट जानवी को पसंद आया है चिराग. अपकमिंग एपिसोड के बारे में जो प्रीकैप आया है वहां पे मुझे क्या अच्छा लगा कि दीपिका को लगता है कि हैविंग अ डार्क स्किन टोन इज अ बैड थिंग, एंड बिकॉज ऑफ दैट उनके पापा उस चीज को लेके बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं, तो उन्होंने एक डिसीजन लिया है कि वो शादी ही नहीं करने वाली है. इट्स बेटर. बट द थिंग इज कि समबडी लाइक हर, शू इज सच अ गुड हार्टेड पर्सन, दे डिजर्व टू बी लव्ड, दे डिजर्व टू गेट दैट काइंड ऑफ अनकंडीशनल सेल्फलेस काइंड ऑफ लव. और इसीलिए हम देखते हैं कि पंडित जी को पता है कि दीपिका कैसी लड़की है, तो वो खुद से एक अर्जी देते हैं भगवान के सामने कि इतनी मासूम बच्ची है, इसका तो इसकी जिंदगी में भी कोई भेज दो करके. एंड आई वी नो दैट वो कोई तो डॉक्टर चिरागी है, और लग रहा है कि वो जानता है उससे, उसको पसंद भी है वो. सी इट्स ऑल ट्रायंगल दीज डेज, तो उसके लिए तो मैं कुछ बोलूंगी नहीं. बट एक होता है ट्रीट, कैसे करते हो आप उस सब्जेक्ट को, वो ट्रायंगल का ट्रीटमेंट किस तरीके से होता है. इफ इट इज गोइंग टू बी द सेम थिंग, रिपीटिंग द सेम थिंग, देन ऑफ कोर्स आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट. बट इफ दे कैन डू समथिंग रियली डिफरेंट अबाउट इट, देन यस, मैं वाकई में देखना चाहूंगी कि किस तरीके से ये इस सब्जेक्ट को ट्रीट कर रहे हैं. क्योंकि जब प्रोमो आया था तब हमने देखा था कि किस तरीके से चिराग आता है उस घर में लड़की देखने के लिए, और जानवी जाती है ट्रे, मतलब चाय की ट्रे एंड ऑल लेके, एंड उनके मॉम जो है जानवी के लिए ही रिश्ता लेके जाती है. बट द थिंग कि जब उसकी मॉम बोलती है कि रिश्ता तो इसी घर में होगा, तो वो बोलता है हाँ रिश्ता तो यही घर में होगा, मगर लड़की कोई और होगी, लुकिंग एट हर. तो वो वाली जो एक बात थी ना कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता उसकी स्किन टोन से या एनी ऑफ दोज थिंग्स, वो लड़की की सूरत नहीं सीरत देखता है, तो वो वाली बात मुझे अच्छी लगी थी. एंड आई होप दैट कंटिन्यूज, एंड वो नॉर्मल एक जो प्लॉट ट्विस्ट लाने के लिए जबरदस्ती का मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड जबरदस्ती का इसका शादी उससे, इसकी शादी उससे, ये सारी जो चीजें करते हैं वो ना करें. और जो एक एलिमेंट दिखाया था उन्होंने वो प्रोमो में, वो ही चीज वो कैरी फॉरवर्ड करे तो ज्यादा मजा आएगा. सो दैट्स व्हाट आई हैव टू से अबाउट इट. बिल्कुल बिल्कुल सेम सा स्टोरी लाइन, अच्छा नहीं लगता, मतलब वही एक ही तरह का कि एक लड़का दो लड़कियां या दो लड़कियां एक लड़का, मतलब यही चल रहा है, और वो अच्छा भी नहीं होता है। हाँ, ये कह सकते हैं कि किसी के मन में कोई आ सकता है, लेकिन उसी को वो ही चाहिए, ये सही नहीं लगती है। और हर इंसान को अपना एक पार्टनर चाहिए होता है, उसे पूरी तरह से जिंदगी अच्छे से जीने को चाहिए होता है। तो एक बार चल जाते, पर बार 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 सेम ही चीज दिखे बस सिर्फ, तो अनाय करने लगता है। एनीवेज देखते हैं क्या होता है, क्योंकि अभी तो जानवी की नजर है डॉक्टर चिराग पे और डॉक्टर चिराग की नजर है दीपिका पे। तो लेट्स सी के होता है क्या, और किस तरह से इसको अलग दिखाने की कोशिश करते हैं, ना कि सेम कॉपी पेस्ट। तो देखते क्या होगा। अगर आपको हमारे छोटा सा डिस्कशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को क्लिक करके रखें, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और देखते रहें दिल को तुमसे प्यार है ऑन स्टार प्लस। टेक केयर, बाय बाय। हाय, दिस इज फलकनाथ एंड यू गाइस आर वाचिंग मी ऑन ग्लिट्स विजन यूएसए।